नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। बिग बॉस 12 का कल का वीकेंड का वार आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और जैसे कि हमारे काफी सारे दर्शकों के कमेंट्स हैं, वो काफी डिसअपॉइंट हुए हैं कल का एपिसोड देख के। उसी में से कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, जो कि बिग बॉस 12 में जो सलमान खान जो वीकेंड का वार करते हैं उनसे पूछे हैं, डायरेक्ट सलमान खान से। तो वो सवाल मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से सवाल है। उससे पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों पहला सवाल है सुरभि राणा को लेके। तो ये सवाल है कि सुरभि राणा ने लग्जरी बजट में जब सृष्टि रोड के बाल खींचे और वो बुरी तरह से गिर गई, और इसके बाद सलमान खान ने वीकेंड का वार में इस मुद्दे को उठाया ही नहीं, उन्होंने बात ही नहीं की, बल्कि उसकी जगह उन्होंने सुरभि राणा को और ज्यादा फुटेज देने का मौका दिया, जो वो ऑलरेडी ढूंढती रहती है। उन्होंने सुरभि राणा को ये दर्जा दिया कि आप बताओ, इस बात पे आप टिप्पणी करो कि ये टास्क कैसा हुआ, वो टास्क कैसा हुआ, जबकि उसकी लेनी चाहिए थी क्लास। तो ऐसा क्यों किया सलमान खान ने सुरभि राणा के केस में, क्यों इतनी दरिया दिली दिखाई, ये सवाल है। तो दूसरा सवाल है दोस्तों कि सलमान खान ने वीकेंड का वार में कहा कि सबा को सृष्टि ने जो पंच मारा, जो मुक्का मारा सबा को, वो मुक्का जो था हम नहीं दिखा पाए, क्यों, क्योंकि ये फैमिली शो है, फैमिली देखती है, मगर जो सबा ने सृष्टि को धक्का मारा और सृष्टि बुरी तरह से गिरी, वो शो में एपिसोड में दिखाया गया। तो हमारा सवाल ये है कि क्या वो फैमिली को अच्छा लगा, क्या फैमिली के लिए वो ठीक था धक्का और लड़की का गिरना, वो सब ठीक था, फैमिली को चलता था, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की गई। और जो पंच मारा गया, वो पंच उन्होंने बोला कि अगर इसके ऊपर एक पुलिस केस भी हो सकता है, तो क्या जो सबा जो घर के अंदर है उसको ये नहीं लगा कि इस पे पुलिस केस हो सकता है, उसने उस टाइम पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उसको लेके, सिर्फ वो रो दी कि मैंने जो मेहनत की वो मेरी बेकार चलेगी, उसने पंच का जिक्र भी नहीं किया। तो क्या सलमान खान को ये चीजें किस तरह से दिखाई गई या क्या बताया गया जिसकी वजह से उन्होंने इस इतनी बड़ी चीज को इग्नोर कर दिया, उस सृष्टि के धक्के को इग्नोर करके सृष्टि की ही क्लास ले ली, ये बात सलमान खान ने क्यों की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज ट्विटर पे, फेसबुक के सब जगह पे इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की गई बिग बॉस 12 के घर में। तो तीसरी बात यह है दोस्तों कि करणवीर ने अगर इंस्टेंट रिएक्शन में दीपक की चोट को नहीं देखा, जो कि इनसाइड द लिप्स थी, तो इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया जो इतनी बातें उनको सुननी पड़ी, जबकि घर में इससे बड़ी बड़ी गलतियां थी जिनकी नोटिस में लाया जा सकता था। तो क्या करणवीर से सलमान खान चिढ़ते हैं, ये भी एक सवाल है लोगों का भी और हमारा भी। तो उसके बाद एक सवाल और है दोस्तों कि जिन कंटेस्टेंट्स को आप पसंद करते हैं, यानी कि सलमान खान पसंद करते हैं, जैसे कि दीपिका, सबा सोमी, दीपक, सुरभि और रोमिल, उनको जरा सी भी तकलीफ हो जाए तो बवाल हो जाता है, क्लास हो जाती है सबकी, मगर जिनको आप नहीं पसंद करते हैं, जैसे कि सृष्टि, शिवाशीष, करणवीर, नेहा, उनको कुछ भी हो जाए, उनके ऊपर कुछ भी हो, आप उसी टाइम पे अपना मुद्दा उनके ऊपर उठा देते हैं, उनको डांट देते हैं, उनकी क्लास ले लेते हैं, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है बिग बॉस 12 के घर में, ये सवाल है। उसके बाद सवाल ये है दोस्तों कि दीपिका के बुरे संचालन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। बुरा संचालन इसलिए कि जब सबा ने सृष्टि को धक्का मारा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तो उसी टाइम पे बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग थी, जबकि दीपिका को दिख रहा था कि ये सबा अब कुछ करने वाली, उसी टाइम उसने अपनी पीठ फेर ली उस तरफ से, जिस तरफ इतनी बड़ी चीज चल रही, इतनी बड़ी जंग चल रही थी, मगर संचालक ने पीठ फेर ली, क्योंकि उसको पता था कि अब ये होने वाला, अगर मैं पीठ फेरूंगी तो मैं बच जाऊंगी। तो संचालक की उस जो एक्टिविटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि ये बुरा संचालन किया है, मगर नेहा ने, जिसने अपनी गलती भी मानी कि मेरा ध्यान नहीं गया शिवाशीष के हाथ बदलने पर, उसकी क्लास ली गई कि उसका संचालन ठीक नहीं रहा, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों की सलमान खान ने। फिर आगे पूछते हैं कि जो गिरने वाली वीडियो को लेके सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आए इसको लेके, जो सृष्टि गिरी उस वीडियो को ट्विटर पे इतना ज्यादा शेयर किया गया, इतने सारे लोगों ने शेयर किया और सृष्टि के हक में बात की कि ये जो है सृष्टि के साथ गलत हुआ है, मगर अगर पंच वाली बात इतनी सही थी तो पंच वाली वीडियो क्यों नहीं शेयर हुई, अगर वो वीडियो वाक्य में होती तो वो जरूर शेयर होती, इसका मतलब पंच वाली वीडियो जो है वो एक बनाई हुई बात है। तो उसके बाद अगला जो लास्ट सवाल है वो है श्रीशांत के साथ इतनी ज्यादा
जो है दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं, उसके सारे गुनाह माफ और बाकी लोगों की एक छोटी सी गलती पे भी बवाल। तो दोस्तों ये सब सवाल थे सलमान खान के लिए। आपको क्या लगता है, इन सवालों में कोई दम है या आप भी इन सवालों से सहमत हैं या आपके मन में कोई और सवाल है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम वो सवाल भी दिखाएंगे, पढ़ के बताएंगे, ताकि ये आवाज बिग बॉस के मेकर्स तक पहुंचे, सलमान खान तक पहुंचे। मुझे लगता है सलमान जी को पूरी एपिसोड नहीं देख पाते हैं उनकी बिजी शेड्यूल की वजह से। जो भी उनको हाइलाइट्स दिखाई देती हैं उन्हीं के ऊपर उनको कमेंट करने का मौका मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इंसिडेंट देखे वो फुल देखे, पूरा देखे, ताकि उसके साथ जजमेंट सही हो। तो टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.